नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। पीएम मोदी ने लॉन्च की आरबीआई की दो स्कीम, कहा देश में निवेश के दायरे का होगा विस्तार। एलएसी विवाद को लेकर विदेश मंत्रालय ने बयान किया जारी, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन के गांव बसाने के दावे को भारत ने किया खारिज। वाराणसी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह भरेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश, पदाधिकारियों के साथ बैठक में यूपी फतह को देंगे मंत्र। कानपुर के बाद अब दूसरे शहरों में पैर पसार रहा जीका वायरस, लखनऊ और कन्नौज में मिले केस। देश में पिछले 24 घंटे में 13,516 नए कोरोना मामले दर्ज, 501 लोगों की हुई मौत। WHO ने स्वास्थ्य को मौलिक मानव अधिकारों में शामिल करने की करी मांग, बोले स्वास्थ्य सबसे बड़ा अधिकार। नवाब मलिक के खिलाफ दायर मनहानी के मुकदमे में आज हाईकोर्ट में सुनवाई, समीर वानखेड़े पर फर्जी जन प्रमाण का लगाया था आरोप। तालिबान ने अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का किया स्वागत, दुनिया भर के देशों से मदद की जताई उम्मीद। T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने तोड़ा कोहली का रिकॉर्ड, T20 में सबसे तेज 2500 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बने। टाइगर 3, पठान और लायन की शूटिंग से पहले शाहरुख खान ने बेटे आर्यन की जिम्मेदारी अपने बॉडीगार्ड रवि सिंह को सौंपी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें इंडिया खबर।